नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम आपके साथ। आज हमारी चुनावी सवारी जा रही है ओखला विधानसभा क्षेत्र। आज हम कोशिश करेंगे कि हम वहां के एमएलए अमानतुल्ला खान से मिल सकें और साथ में हम ओखला वासियों की थोड़ी सी परेशानियां जानेंगे, उनकी क्या मुद्दे हैं, 5 साल में उन्होंने सरकार से जो उम्मीद करी थी, जो अमानतुल्ला खान से उम्मीद थी जिसकी वजह से उन्होंने वोट दिए, क्या वो उन वादों को पूरा कर सके और उनकी उम्मीदें पूरी कर सके। तो चलिए अपनी सवारी लेके चलते हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों, दिल्ली तक की सवारी पहुंच चुकी है अपने इलेक्शन कैंपेन को लेके ओखला विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ ओखला विधानसभा क्षेत्र के गफ्फार मंजिल एरिया के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और उनके विधायक जी ने जो वादे किए थे वो किस हद तक पूरे किए हैं। देखिए, अमानतुल्ला की जहाँ तक बात है, अमानतुल्ला जी ने अपने वादे भी पूरे किए हैं काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। और जहाँ तक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी की बात है तो आम आदमी पार्टी जो है बेस्ट टू बेस्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल को तो जब भी बात करेंगे वो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, वो पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, वो सड़कें किस तरीके से बेहतर हो पाएँ इसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, मेडिकल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मोहल्ला क्लिनिक इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, मैंने खुद इसका फ़ायदा उठाया है। ऐसी परेशानी मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर 35 साल से, मेरी जो देवरानी है उन्होंने स्कूल खोला हुआ है, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, और वो इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद से ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ और आज हम जिस स्टेज पर हैं, जिस पार्क में, ये पहाड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं थी। सरकार को अपने जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा ही नहीं किया, महंगाई भी उसी में एक है, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई परेशानी हो रही है, महंगाई कम करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ये है, ये जो बिल आया है इससे एक डर, जो एक वैसा धम धरता है, बूढ़े हमें डिस्कशन में क्या होगा। यहाँ की तरक्की में अमानतुल्ला जी का कितना हाथ है? काफ़ी हाथ, वो पूरा हाथ है उनका, वो तो एक एक बात पर ध्यान देते हैं, एक एक बात पर ध्यान देते हैं वो। जो अच्छा कोई पर्सनल जाता है उनसे अच्छे से मिल के वो बात करते हैं, प्रॉब्लम को सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। एक बार जो आ जाता है ना सीट पर, वो सुनता नहीं है, फिर वो अपनी मस्ती में रहता है, लेकिन ये इंसान सुनता है। हाँ, काम किया है केजरीवाल ने, जो वादे किए थे किसी हद तक 90% उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, वो 10% क्या है जो उन्होंने काम नहीं किए? देखो, 10% वो चीज़ है जो उसके हाथ में नहीं है। आप आदमी ने काम तो किया है, नो डाउट काम किया है और काम दिखता है। सबसे पहले हमारे जो नूर नगर में एक स्कूल है उसका बहुत बुरा हाल था, अब जाके देखे सरकारी स्कूल का, अब जाके देखे वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, साफ सफाई है। तो दोस्तों, आज हमारी दिल्ली तक की सवारी पहुंची थी ओखला विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हमने सुबह में आपसे बोला था कि हम आपको अमानतुल्ला जी से मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी मुलाकात हो सके, लेकिन अफसोस आज हमारी उनसे मुलाकात तो हो नहीं पाई, वो अपने किसी काम में व्यस्त थे जितना हमें पता चला। लेकिन हमने उनके पूरे एरिया में गए, अलग अलग लोगों से बात करी, उनके मुद्दे जाने, उनकी परेशानियाँ जानी,